नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में रंग पंचमी की धूम, दमों में उड़ा रंग और अबीर गुलाल, पारंपरिक गीत धुन की भी दिखी झलक। शराबी वाहन चालकों सहित दुपहिया वाहन तीन सवारी पर यातायात पुलिस की कार्रवाई। चाकूबाजी की घटना, दो युवक घायल, अस्पताल पहुंचे, पुलिस जांच में जुटी। शराबी आरक्षक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। और देव जागेश्वरनाथ बानकपुर जानकी रमण बूंदाबहू मंदिर दमोह सहित देवालयों में रंग पंचमी की धूम। और अब समाचार विस्तार से। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की कर्णप्रिय धुन तथा गीतों की झलक रंग पंचमी पर नगर के मध्य घंटाघर पर देखी गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की। रंग पंचमी के अवसर पर युवा व्यापारी संघ द्वारा पारिवारिक होली मिलन एवं सहभोज का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राजेश मोंगिया सहित समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आगंतुकों का पुष्प वर्षा कर और गुलाल लगाकर स्वागत किया। यातायात पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद दुबे की उपस्थिति में शराबी वाहन चालकों सहित दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी को लेकर चालानी कार्यवाही की। यातायात थाना प्रभारी गीता सिंह ने जानकारी देते हुए बतलाया, वाहन चलाने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं तीन घंटाघर बस स्टैंड चौराहे। वही यातायात पुलिस की कार्रवाई पर एक व्यक्ति ने वाहन पर होने वाली कार्रवाई का विरोध करते हुए हास्यास्पद आरोप भी लगाया। दो चालान हो रहा, ये दो आदमी भी जाए दो चालान हो रहा, तीन आदमी भी जाए दो चालान हो रहा, ये इसका क्या मतलब है? ये चुनाव करीब आने वाले हैं इसलिए वसूली का सिलसिला चलता रहता है। ये चालान जो कर रहे हैं उसकी रसीद दे रहे कि नहीं दे रहे? रसीद दे रहे, रसीद देने से कुछ नहीं होता, वो पैसा जा सरकारी खजाने में जाएगा ना, वो चुनाव के लिए जा रहा है। अच्छा, वो ये मतलब जो चालान होते हैं वो चुनाव खर्च? चुनाव खर्च बिल्कुल बेशक। क्या शुभ नाम आपका? हमारा गुलाम रसूल। कहाँ रहते हैं? हम गली मोहल्ले में रहते हैं। अगर कहीं मध्य रेस्ट हाउस के समीप चाकूबाजी की घटना में दो युवक घायल हो गए,
जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायलों के नाम मनीष पिता छोटेलाल श्रीवास्तव 30 वर्ष एवं शुभम पिता हरिशंकर पाठक 18 वर्ष बतलाया जाता है। रात्रि लगभग 8 बजे घटी घटना के आरोपियों को तलाशने में पुलिस लगी हुई है। घटना स्थल कहाँ का है? स्टेट बैंक के पीछे। कितने बजे लगभग? सामान्य है। मनीष पिता छोटेलाल श्रीवास्तव, उम्र क्या है? 30 साल। निवासी? रेस्ट हाउस के पीछे। आप इधर स्क्वाडर कहलाते हैं, ऋतुराज पेंटर के यहाँ वहाँ की घटना है। 40-50 लोग आए थे गाड़ियों से, डिस्कवर थी, प्लेटिनम थी, डिस्कवर थी, ये लोग सब लोग आए 50-60 लोग। इन लोगों ने आते ही साथ कुछ नहीं किया, जैसे ही उतरे अपनी बाइक से इन लोगों ने चाकू निकाल के हमला चालू कर दिया। तारक्षक को शासकीय वाहन में वर्दी पहनकर ड्यूटी के दौरान शराब पीना महंगा पड़ा। शराबी आरक्षक का वीडियो वायरल होने पर सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने निलंबित कर दिया। मामला मरियादो थाने का बतलाया जाता है। आरक्षक का नाम राम किशोर अहरवार और वीडियो बनाने वाले का नाम जमील खां बतलाया जाता है। दोनों को ही पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने निलंबित कर दिया है। आ रहे हैं कौन है बहू जी? तो भाई की हो गई। LNV टीवी के धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की कर्णप्रिय धुनों पर नृत्य करते हुए, होली के गीतों को गाते हुए हजारों भक्तों ने भगवान देव जागेश्वरनाथ मंदिर में जमकर रंग पंचमी का त्योहार मनाया। वेद मंत्रों के उच्चारण एवं सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार देव जागेश्वरनाथ जी का अभिषेक प्राकृतिक रंग गुलाल और अबीर से किया गया। जय जागेश्वरनाथ। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र देव श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर में आज रंग पंचमी के उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वेदपाठी ब्राह्मणों के द्वारा मंदिर में जागेश्वरनाथ जी के साथ रंग गुलाल खेलकर रंग पंचमी उत्सव को मनाया। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र के अनेक भक्त भागे गाते हुए नृत्य करते हुए मंदिर में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंग पंचमी उत्सव को मनाते हुए नजर आए। Thank you.
दमोह नगर के देव जानकी रमण बूंदाबाहू मंदिर में भी पारंपरिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। LNV TV के मौसम के समाचारों में आपका स्वागत है।